अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मेरे घर में इफ्तार पार्टी है, जिसके लिए मैंने तैयारी जो है वो 12 बजे से ही स्टार्ट कर दी थी। तो बस जी, व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। और जब भी घर में इफ्तार पार्टी हो या दावत हो, सबसे बड़ा मसला होता है मेन्यू बनाना। तो मेन्यू तो खैर मैंने रात में ही बना लिया था। और इफ्तार पार्टी का थोड़ा सा ये होता है कि आप 4 से 5 चीज़ें तो लाजमी आपने बनानी ही बनानी होती हैं। बाकी रह गया खाना, तो खाने में आपको ज़ाहिर थोड़ा सा सोच समझ के, सालन वालन या कोई राइस की ज़ाहिर का डिश होती है तो वो सोच समझ के रखनी पड़ती है। खैर जी, बिरयानी तो सबकी फेवरेट होती है, तो सबसे पहले तो मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी बिरयानी के लिए। और ये मैंने रात को ना फ्रिज में रख दिया था, चिकन फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। तो पूरी तरह से थॉ तो नहीं हुआ था इसको, मैंने जब अच्छी तरह से वॉश किया तो फिर थोड़ा थोड़ा सा नरम होना शुरू हो रहा था। तो इसको मैरिनेट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें एक प्याली ब्राउन किए हुए प्याज डाले हैं। 4 से 5 चम्मच मैं इसमें बिरयानी मसाले के ऐड करूँगी। इसके बाद दूसरे मसाले भी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि फिर ये फीका सा रह जाता है। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का डाला था, 1 छोटा चम्मच कुटी मिर्च, 1 छोटा चम्मच पिसी मिर्च, और साथ ही मैंने क्यूब्स डाल दिए हैं 2-4 अदरक और लहसुन के। और बड़े चम्मच मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच दही के ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद ये टमाटर के क्यूब्स, 6 टमाटर के क्यूब्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें आलू इमली, जिसको इमली सिर्फ कहते हैं, वो डाल के और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करके डब्बे में डाल के रख दूँगी। फ्रिज में नहीं रखूँगी, किचन में ही रख दूँगी, क्योंकि चिकन जो है वो ठंडा है तो आराम से फिर वो मैरिनेट होता रहेगा। अगर आधा घंटा या घंटा पहले भी चिकन मैरिनेट करके रख दें बिरयानी का, तो बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और बिरयानी मैंने इसलिए चुनी थी कि बिरयानी सबकी फेवरेट होती है। और आज इफ्तार पार्टी पे मेरी बेटी की फ्रेंड्स आ रही थी और मेरे घर वाले आ रहे थे, अम्मी शाजी। और क्योंकि अम्मी और शाजी काफ़ी दिन हो गए हैं, आए ही नहीं हैं, रमज़ान में तो एक दिन भी नहीं आए हैं, तो मैंने कहा आज उनकी स्पेशल इफ्तारी करती हूँ। तो खैर जी, चिकन मैंने यहाँ पे मैरिनेट कर लिया। और अभी मैं बना रही हूँ मीठा बटर स्कॉच डिलाइट, जिसके लिए मैंने 5 ग्लास लिए हैं जी दूध के। और ये छोटे साइज़ का ग्लास है, नॉर्मल से भी छोटा ग्लास है, तो समझ लें कि मैंने 1 लीटर दूध लिया है। और मेरे पास कस्टर्ड रखा हुआ था आज बनाना फ्लेवर का, तो मैं वही यूज़ करूँगी। और मैं इसको बनाऊँगी कैंडी बिस्किट्स के साथ। अच्छा, मैंने कस्टर्ड जो है वो लिया था 3 चम्मच, 3 चम्मच के साथ मैं बस इसका घोल बना लूँगी। और दूध को मैंने अभी गर्म करने के लिए रख दिया है, जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो मैं फिर इसमें कस्टर्ड ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे डिश ले ली और मैंने कैंडी बिस्किट्स ले लिए हैं, जो कि 5 पैकेट हैं और ये मीडियम साइज़ वाले हैं। इनको मैं हाथ से ना मोटा मोटा तोड़ लूँगी, इनका पाउडर या बिल्कुल क्रश नहीं कर दूँगी इनको। और कैंडी बिस्किट्स मेरे पास हैं, आप कोई से भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रखे हुए यही थे, सीधी बात है, तो मैंने बस यही यूज़ कर लिए हैं, ऑप्शन ही कोई नहीं थी मेरे पास। अच्छा खैर, यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है, तो मैंने इस पर कस्टर्ड डाल दिया, साथ ही मैंने आधा कप चीनी डाल दी। और जब कैंडी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो मीठे को थोड़ा सा फिर बैलेंस करना होता है, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी, बल्कि आधा कप से भी थोड़ी मैंने कस्टर्ड में चीनी डाली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं कैरेमल बना रही हूँ, थोड़ी सी चीनी मैंने पैन में डाली, उसको मैं ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, कैरेमल बनाने का तरीका ये है कि जब आप पैन में चीनी डालते हैं तब आप उसको चम्मच से हिलाते नहीं हैं, उसको यूं ही छोड़ देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गोल्डन होना शुरू होती है, फिर ब्राउन होना शुरू होती है, फिर वो काली भी हो जाती है, तो फिर आपने थोड़ा सा ध्यान से उसको देखना होता है। तो खैर, वो कैरेमल वहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर मैंने बनानास जो हैं वो कट कर लिए हैं, तकरीबन 6-7 बनाना थे, वो मैंने कट कर लिए छोटे छोटे। और गरम गरम कस्टर्ड आपने इन बिस्किट्स पे डालना है, क्योंकि ये बिस्किट हार्ड होते हैं, इसलिए इन पे जब गरम गरम ये कस्टर्ड जाएगा तो ये वैसे घुल जाएंगे। अगर बहुत ही सॉफ्ट वाले बिस्किट हो तो आप थोड़ा सा ठंडा करके कस्टर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर देखें जी, कैरेमल बन चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच बटर और बिल्कुल 1 टेबल स्पून जितनी मैंने इसमें क्रीम डाली है। इसको अच्छा सा मिक्स करूंगी और फिर इसमें बनाना डाल दूंगी और बस इसको टॉस करूंगी, तो ये हमारे कैरेमल बनाना जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और
जी इसके ऊपर मैंने ये सारे बनानास की लेयर डाल दी। अब क्योंकि बनाना भी बहुत गर्म है, कस्टर्ड भी बहुत गर्म है, तो इसको अभी फ़िलहाल मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, इसको थोड़ा सा मैं किचन में ही छोड़ दूँगी ताकि इसकी स्टीम निकल जाए और ये ठंडा होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लिया मटन, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और साथ ही मैंने इसको मैंने कुकर में डाला और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काट के वो भी डाल दी। 3 क्यूब्स मैंने अदरक और लहसुन के डाल दिए हैं, 2 चम्मच पानी के डाल 2 ग्लास पानी के डालूंगी और इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे देखें हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है डिज़र्ट। इसके ऊपर एक क्रीम की लेयर जाएगी। अच्छा, क्रीम की लेयर आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत कम भी कर सकते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की क्योंकि फिर वो बहुत हैवी हो जाता है और खाया भी नहीं जाता। मेरे घर में तो क्रीम ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। बस मैंने क्रीम की थोड़ी सी लेयर डाली और इसको अब मैं फ्रिज में बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 1-2 चीज़ें और भी जाएंगी लेकिन वो बिल्कुल जब मैं सर्व करने लगूँगी तब डालूँगी। यहाँ पे मैंने ले ली कचनार और कचनार को मैं साफ़ करूँगी। बिल्कुल मेरे पास थोड़ी सी थी, नई नई सब्ज़ी है, तो मैंने कहा चलो कचनार गोश्त बनाते हैं। इसकी डंडल मैं अलग कर लूँगी, इसकी छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं वो अलग कर लेनी होती हैं। अच्छा, इसका टाइम लिमिट बड़ी कम होती है, जब इसमें फूल निकल आते हैं तो फिर इसको नहीं पकाया जाता। ये जैसे बंद कलियाँ होती हैं ना, ये उस टाइप की होती है और हमारे इधर पंजाब वाली साइड पर बहुत मिलती है। और इसके बड़े खूबसूरत दरख्त होते हैं, स्पेशली जब इसके फुल फूल निकल आते हैं ना तो ये पौधा या दरख्त बहुत ही प्यारा लगता है। तो खैर, मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और अब मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया क्योंकि ये हार्ड होती है, इसको थोड़ा सा और खारी भी होती है, थोड़ा सा बॉईल करना बेहतर होता है। और दूसरा सालन मैं बना रही हूँ जी अचार गोश्त, जो कि मैं चिकन अचार बना रही हूँ, जो कि बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। और मेरा कब से दिल भी कर रहा था कि मैं अचार गोश्त बनाऊँ। मेरे पास शान का ये पैकेट रखा हुआ था, मैं बार बार इसको देखती थी कि मैं इसको कब बनाऊँगी। तो मैंने पैकेट यहाँ पर रख लिया है और मिर्चें जो है मैं उसको चीरा लगा के रख रही हूँ और बीच में फिल करके ना मिर्चें वो फिर मैं रख दूँगी इसमें। मैंने जी यहाँ पे ले लिया इंस्टेंट पॉट, उसमें डालूंगी मैं 1/2 प्याली ऑयल की, बाद में ज़रूरत होगी तो फिर डालूंगी, अभी तो मैंने 1/2 प्याली डाली थी। साथ ही मैंने 1 से 1.25 किलो मेरे पास चिकन था फ्रेश वाला, ये मैंने डाला। 3 क्यूब्स डाले मैंने अदरक लहसुन के और ये मिर्चें मैंने अभी बना के रख ली हैं क्योंकि जब सर्विंग का टाइम होगा मैं तब इसको ऐड करूँगी। अभी अगर मैं डाल दूँगी ना टाइम से पहले तो फिर वो ना काली काली सी मिर्चें हो जाती हैं, उसकी फिर वो रौनक ख़त्म हो जाती है। साथ ही मैंने 1 पैकेट जो मैंने मिर्चों में भरा था और उसमें जो बच गया था वो सारे ही मैंने साथ ही डाल दिए और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। अच्छा, जैसे ही पैकेट पर मेंशन था मैंने इसको बिल्कुल वैसे बनाया, मैंने अपनी तरफ से कोई भी और चीज़ ऐड नहीं की है, बल्कि एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई थी, मैं इसमें दही डालना भूल गई थी। खैर, वहाँ पे चिकन भुन रहा है और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरा जो पकोड़ा मिक्स है वो अब ख़त्म होने वाला है, आज ही ख़त्म हो जाएगा और अब मुझे नया बना के रखना पड़ेगा क्योंकि अभी माशाल्लाह से काफ़ी सारे रोज़े रहते हैं तो उसके लिए शायद मुझे एक दफ़ा फिर बनाना पड़े। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अब मिक्स पकोड़े बना रही हूँ। मैंने पकोड़ा मिक्स लिया, साथ में मैंने प्याज डाला और मैंने साथ में पालक कटी हुई डाल दी और इसका मैं बैटर बना के साइड पे रख लूँगी। अच्छा, इसमें मैं बॉईल किए हुए आलू भी डालूँगी लेकिन वो बाद में अभी ऐड करूँगी। जो जो काम अभी मुझे याद आता जा रहा था मैं साथ साथ करती जा रही थी और मुझे था कि 12 बजे मैं स्टार्ट हुई हूँ तो मेरा काम जो है ना आराम से हो जाएगा, लेकिन चीज़ें ज़्यादा थी इसलिए मुझे करते 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 साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है तो टाइम, खैर मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे मेरी हर चीज़ रेडी हुई थी। खैर जी, यहाँ पे मैंने 6-7 क्यूब्स टमाटर के डाल दिए हैं और इससे भी ज़िंदगी वाकई बड़ी आसान हो जाती है। इतनी अच्छी ये रहते और इतनी अच्छी ग्रेवी बनती है इन टमाटरों से कि बस मज़ा आ जाता है। मैं तो नॉर्मल भी आप ऐसे बना के रखा करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी मटन, मेरा मटन नहीं मतलब मटन का गोश्त जो है वो गल चुका था और अब मैं उसको बुनाई की तरफ आ रहा है तो अब मैंने उसमें क्यूब्स डाले हैं और इसमें मैं डालूँगी मसाले, जिसमें नमक जाएगा और धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच मैंने डाले थे, हल्दी जाएगी, लाल मिर्चें जाएंगी और हर कोई अपने हिसाब से मेरे ख्याल में सालन में मिर्चें वगैरह ऐड करता है, हम थोड़ा सा तीखा खाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ। तो बस इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि आलू भी बॉईल हो रहे हैं क्योंकि आलू मुझे चाहिए थे दही बल्लों के लिए, चना चाट के लिए, पकौड़ों के लिए। तो बस साथ साथ जो जो काम याद आता जा रहा था, सोनिया भी लगी हुई थी, मैं भी लगी हुई थी,
काम बस जारी और सारी था। अच्छा, यहाँ पे कचनार जो है वो गल गई थी, तो मैंने उसको एक पानी से ना उसको रिंस कर लिया था, एक पानी से निकाल लिया था ताकि उसका खारापन ख़त्म हो जाए। मैंने इसको गोश्त में डाला और इसमें थोड़ा सा ना घी ज़्यादा जाता है, वरना ये बिल्कुल सूख सी जाती है, अजीब सी शक्ल हो जाती है इसकी। तो बस इसको हल्का सा मैं भूनूंगी और इसकी बुनाई भी साथ साथ हो ही रही है, तो एक और डिश अब मैंने स्टार्ट कर दी है। और अभी मैं बना रही हूँ जी ब्रेड चीज़ पकोड़ा, जो कि लाजमी लाजमी आपने ट्राई करना है, या आपके बच्चों को और आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, मैंने क्या किया कि एक बड़े साइज़ का आलू बॉईल कर लिया है, उसमें आधा चम्मच मैंने काली मिर्चें डाली हैं, आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चें पीसी हुई डाली हैं, और मैंने इसमें आधा चम्मच भुना और कुटा ज़ीरा भी ऐड किया था। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ब्रेड के अंदर ना लेयर्स चाहिए, तो वो येलो येलो सा जब कलर नज़र आएगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके एक और लेयर के लिए मैंने धनिया के क्यूब्स लिए हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चों वाले जो क्यूब्स मैंने बना के फ्रीज़र में रखे हुए थे, वो मैंने घंटे पहले ही निकाल के ना बाहर रख लिए थे। उसके अंदर सिर्फ मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून दही का डाला है, बहुत ज़्यादा पतला वाला रायता नहीं बना लेना, क्योंकि ब्रेड के ऊपर आनी है लेयर, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए उसको। यहाँ पर जी मैंने ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए हैं, 4 ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी अब 2 ब्रेड के स्लाइसिस और आएंगे, तो टोटल समझ लें कि 6 6 12 स्लाइसिस मैंने यूज़ किए थे। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ग्रीन पहले एक चटनी की लेयर लगा ली, और इसके ऊपर मैंने 1 1 ब्रेड के स्लाइसिस और रखे हैं। उसके ऊपर मैंने जो अभी आलू का मिक्सचर बनाया था उसकी लेयर लगा दूंगी, फिर इसके ऊपर जाएगा 1 1 स्लाइस चीज़ का, और ये इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना, आप ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि ये वाकई बड़े मज़े के बने थे। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, और जब मेहनत से आप चीज़ें बनाते हैं उसमें बरकत भी और टेस्ट भी तभी आता है। मुझे लगता है कि खाना बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस आप ये है कि जब आप समझ आते हैं कि हाँ फलां फलां चीज़ आप डालें तो चीज़ अच्छी बनती है, तो बस फिर क्विकली हो सकता है, वरना इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक और ब्रेड की स्लाइसिस रख लिए, और मैं क्या करूँगी कि इसको 6 क्यूब्स में ना कट कर लूँगी, 3 इस तरह से और 3 इस तरह से, तो ये छोटे हो जाएंगे, क्योंकि अभी इस पर एक बेसन की एक और लेयर आनी है, फिर ये फ्राई होंगे तो फिर ये वैसे ही थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर छोटे छोटे नहीं बनाएंगे तो फिर वो बहुत बड़े बड़े स्लाइस बन जाएंगे, इस तरह ये बाइट साइज़ रहेंगे और बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे जी मैं पास्ता बॉईल कर रही थी, क्योंकि मुझे पास्ता भी बनाना था, और ये बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने सोचा कि चलो मैं पास्ता भी बना लेती हूँ, तो क्योंकि बच्चे थे ज़्यादा, तो बच्चों को पास्ता वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी बना लेते हैं। अब आती है जी बिरयानी की बारी, अब टाइम बिल्कुल नेड़े नेड़े आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अब फटाफट करूँ, अब बिरयानी भी रेडी कर लूँ, इसका मसाला भी रेडी कर लूँ, तो ये मैंने मैरिनेटेड जो चिकन था वो इसमें डाला, साथ ही मैंने 1 कप तेल का डाल दिया है, क्योंकि बिरयानी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है, वरना वो फीकी फीकी रूखी रूखी सी हो जाती है। तो जी बस इसको हल्का सा मिक्स करके और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे कचनार गोश्त भी हमारा भुन चुका था, तो मैंने तकरीबन एक छोटी प्याली ना मैंने दही की ऐड कर दी है, क्योंकि इसमें दही जाती है, जैसे सौंजना होता है उसमें दही जाती है, मुंगरे जो होते हैं उसमें दही जाती है, और कचनार में भी दही जाती है। एंड में मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, और ये सालन मेरा डन हो चुका था। यहाँ पे जी बिरयानी का मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था, और चिकन ना बहुत मज़े का गल भी गया था। और अभी मैं एक बहुत ही डिफरेंट सा आपको मीठा सिखाने वाली हूँ, आई एम श्योर आपने अभी तक ये नहीं देखा होगा, बड़े ज़बरदस्त है, अरेबियन है, मैंने किसी अरेबिक वीडियो में देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। अच्छा, मैंने आपको याद है कि सिगार रोल बनाए थे, तो आपने वैसे ही मांडा पट्टी जो होती है उसके इस तरह से सिगार रोल बना लेने हैं, काफ़ी सारे बना लीजिएगा, क्योंकि वाकई जब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, और इतना इजी है ना इसको बनाना, बहुत ज़्यादा इजी है। वहाँ पे मैं सिगार रोल बना के मैंने रख लिए थे फ़िलहाल, और यहाँ पे मैं अब पास्ता रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको
बेक भी करना है। मैंने 2 चम्मच मैदा का लिए हैं, साथ ही मैंने 2-3 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच मैंने बटर ले लिया है। और पहले तो मैं मैदे को कुक करूँगी यहाँ तक कि इसमें ना खुशबू सी आने लग जाए और ये पक जाए। जो लोग साथ ही दूध साथ ही मैदा वो डाल देते हैं ना, वो उससे ना मैदा पकता नहीं है, उसकी वो खुशबू नहीं आती है। तो ये प्रोसेस वाइट सॉस बनाने के लिए ये प्रोसेस लाजमी होता है। 1 चिकन क्यूब भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, साथ ही मैंने 1 कप दूध भी ऐड कर दिया है। और ये वाइट सॉस जो है हमारी रेडी हो गई तकरीबन। साथ ही मैंने हरा प्याज जो है ना वो मैंने ये भी मैंने काट के ना फ्रीज़र में रखा हुआ है, एमरजेंसी में ना बड़ा काम आती हैं इस तरह की चीज़ें। इसको हल्का सा मिक्स किया, अब साथ में मैं इसके स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। ये काली मिर्चें मैंने ऐड कर दी तकरीबन 1 छोटा चम्मच, साथ ही सॉल्ट मैंने थोड़ा सा डाला था क्योंकि मैंने चिकन क्यूब्स भी ऐड किया था। और बस इसको हल्का सा मिक्स करके और इसमें पास्ता डाल दूंगी। अच्छा, पास्ता थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से बॉयल हो गया था तो मैंने कहा ये ना हो कि सॉस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और पास्ता ही पास्ता नज़र आए, तो बस मैंने फिर थोड़ा सा पास्ता बचा लिया था, इतना ही मैंने ऐड किया था। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो पानी या दूध और भी ऐड कर सकती हैं, मैंने दूध थोड़ा सा और डाला था ताकि सॉस इसकी बैलेंस हो जाए। साथ ही चिकन क्यूब्स मेरे पास रेडीमेड रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए, ये टिक्का चंक्स मैंने ऐड किए हैं जो कि रेडीमेड मेरे पास थे। बस हल्का से इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको थोड़ी देर में मैं डिश आउट करके बेकिंग के लिए डाल दूँगी। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मुझे थकान हो रही थी और रोज़े के साथ आपको पता है कि काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं बिरयानी को लेयर लगा रही हूँ और ये तो आपको पता है कि किस तरह से लेयर लगती है, तो बस यहाँ पे बिरयानी को लेयर लगा दूँगी। बस ये मैंने सारी लेयर्स लगा ली हैं, उसके ऊपर मैंने येलो फूड कलर डाल दिया, ब्राउन के प्याज डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें भी मैंने बीच में खबो के डाल दी हैं और उसको मैंने दम पे लगा दिया था। यहाँ जी पास्ता मैंने डिश में डाला है बेकिंग के लिए। उसके ऊपर मैंने चीज़ के क्यूब्स डाल दिए हैं और उसके ऊपर मैंने रेड और येलो शिमला मिर्च डाल दिए और ये मैं अभी बेक होने के लिए रख दूँगी, इतना कि बस ऊपर वाली चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। यहाँ जी मैं चना चाट बना रही हूँ और चना चाट मेरी मैंने एक और वीडियो में तफसील से रेसिपी दी हुई है, उसका फिर मैं लिंक इंशाल्लाह दे दूँगी। यहाँ पे मैंने चने पहले ही एक दिन पहले बॉईल करके रखे थे, इसको मैंने पैन में डाला, हल्का से मैंने ऑयल डाला है और साथ ही सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। थोड़ा सा पकाऊँगी तो ये मज़े की बन जाएगी। इसमें चाट मसाला, इमली का पल्प, वो खैर मैंने सारी रेसिपी इसमें दी हुई है, बड़े मज़े की वो बन जाती। यहाँ पे दही बड़े मैं बना रही हूँ और मेरे पास बड़ी कोई डिश थी नहीं तो मैं इसी में बना रही हूँ और उसके ऊपर मैंने दही डाली है, साथ ही मीठी चटनी, ग्रीन चटनी और पापड़ी और अनार, और इस तरह से ना बड़ी रौनक सी आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जब आप ऐड करते हैं दावत की डिशेज़ को, जब आप सजाते हैं तो वो देखने में ही मज़ा आ जाता है और आने वाले जो मेहमान हैं उनको भी लगता है कि हाँ भाई हमारी सही दावत की, इन्होंने दिल से दावत की खुश हो के। तो खैर जी, यहाँ पे अब जो सिगार मैंने बनाए थे ये सिंपल मांडा पिट्टी को फोल्ड किया और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ फोल्ड किया मैंने और इसको मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और सिगार वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं तो मैं अब इसकी एक डिप सी बना लूँगी, जिसके लिए मैंने 1/2 टिन लिया है कंडेंस मिल्क का और साथ ही मैंने 1 पैकेट लिया है जी क्रीम का, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, इसको सिंपल बस मैं मिक्स करूँगी, कुछ भी और नहीं जाना। अनार वैसे मैंने रखे थे डेकोरेशन के लिए लेकिन वो मैं इसमें नहीं डालूँगी, वो मैं दूसरी वाली डिश में डाल दूँगी। अच्छा सा इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से बिल्कुल गोल्डन से फ्राई हुए हैं, बिल्कुल काला काला या ब्राउन नहीं कर देना। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया था, इसके ऊपर मैं डालूँगी पिसी हुई चीनी, इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए क्योंकि ये बिल्कुल फीकी है तो ये थोड़े थोड़े से ना मीठे हो जाएंगे, थोड़े गर्म भी हैं तो वो जल्दी जल्दी ना चीनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो इस तरह की मैंने प्यालियाँ ले ली थी और मैं 4 क्यों बना रही हूँ क्योंकि मुझे था कि पता नहीं कैसा बने कैसा ना बने, लेकिन मुझे बाद में हुआ कि नहीं मुझे ज़्यादा बनाने चाहिए थे, तो क्योंकि मीठा तो मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ, ये मैंने एक्स्ट्रा एक एडिशनल बने बना लिया था।
अच्छा यहाँ पे जी जो दूसरा मीठा है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था, तो इसके ऊपर भी मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और सारे अनार डाल के उसको भी मैं अच्छा सा डेकोरेट कर लूँगी। अभी मैं रोल फ्राई कर रही हूँ और आज इतने ही मैं सुबह से लगी हूँ और मुझे तकरीबन अब बस 10-15 मिनट रह गए हैं। अभी मैंने ये भी फ्राई करने हैं, ये वाले ये देखो, और पकोड़े भी अभी करने हैं, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। और यहाँ जी माशाल्लाह हमारी बिरयानी को दम आ चुका है, ऊपर मैंने टमाटर भी काट के डाले थे तो डेकोरेशन बहुत अच्छी हो गई थी। अच्छा मैं आपको ना अब दिखा दूँ कि ये जो सिगार वाला मीठा है अरेबियन वाला, इसके इसको बस आपने इस तरह प्यालियों में रखना है और सेंटर में बिल्कुल आपने ये डिप रख देनी है। तो इसको डिप कर करके जब आप खाएँगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, भले एक ही बना लें प्याली तो बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा मैंने सारी चीज़ें अभी रखती थी दस्तरखान पे और आज मैंने दस्तरखान को ना बिल्कुल डाइनिंग टेबल वाली मैंने लुक दी है। मैंने नीचे सारा कारपेट इधर उधर वाले जो रग्स होते हैं वो भी बिछा लिए थे, फिर मैंने इसके ऊपर एक दस्तरखान बिछाया और उसके ऊपर मैंने टेबल रनर रख दिया है। तो मैं सेंटर में सारा खाना रख दूँगी तो आसपास मैं फिर बर्तन वगैरह रख दूँगी। तो बड़ी अच्छी सी ना टेबल सेट हो गई थी। और अब तो अम्मी आती इतना कम है, आज मैंने ज़बरदस्ती बुलाया था, मैंने कहा नहीं अम्मी आपने ज़रूर आना है। तो अम्मी पहले वाले घर में भी रहती हैं, शाजी के पास भी रहती हैं, मेरे पास भी रहती हैं, लेकिन ये कि अब मेरे पास बहुत कम आती हैं। तो खैर जी मैंने यहाँ पे कचनार गोश्त मैंने डिश आउट कर लिया था और ये मेरा पूरे अफ्तार का दस्तरखान है। यहाँ पे मैंने बिरयानी बना ली थी, दोनों मीठे रख लिए थे और फ़िलहाल मैंने रखे हैं, बाद में मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी रोज़ा खुलते ही। और फ्रूट चाट बना ली थी मैंने, दही भल्ले बना लिए थे और अचार गोश्त भी मैंने डिश आउट करके रख दिया था, समोसे रोल भी फ्राई कर लिए थे और अभी ब्रेड पकोड़ा और दूसरा वाला आम पकोड़ा वो अभी फ्राई हो रहा है। तो बस बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने सब चीज़ रेडी की थी और मैंने साथ में नैपकिन भी रख दिए थे, प्लेट्स मैंने सेट करके रख ली और बिल्कुल डाइनिंग टेबल वाला मैंने लुक दे दिया है। अब बड़ी जगह ना हो, बड़ी डाइनिंग टेबल ना हो, लोग ज़्यादा हों तो फिर यह है कि आपको तरीका आना चाहिए, आपको अटेंड करना आना चाहिए मेहमानों को, उनको अच्छा फील कराना आना चाहिए। तो खैर आज मेहमान तो कोई नहीं थे, मेहमान जो थे वो ऊपर बैठे हुए थे, मेरी बेटी की सहेलियाँ, वो उनको मैंने ऊपर ही बिठा लिया था उससे मनाल के कमरे में, क्योंकि फिर नीचे मैंने कहा बच्चियाँ हैं, एजिटेशन ना हो किसी किस्म की, फिर वो मेरे हस्बैंड भी थे, रुमान भी अभी आ जाएगा, तो फिर मैंने बच्चियों को ऊपर ही बिठा दिया था, वो अभी देख भी रहे होंगे। तो बस मैं आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर भी भेजना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे एक मैंने दस्तरखान लगाया है कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। बस जी अभी टाइम बिल्कुल होने वाला है और हम रोज़ा अफ्तार करने वाले हैं और अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान का जो महीना होता है ये बहुत प्यारा महीना है, स्पेशली जब हम अफ्तारी करते हैं, वो दुआ की कबूलियत का टाइम होता है, उस वक्त ज़रूर अपने लिए दुआ मांगा करें, अपने बच्चों के अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगा करें, रिस्क के लिए दुआ मांगा करें। यकीन करें अल्लाह आपकी सुनता है और अल्लाह आपके बहुत करीब है, बस हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। कैसा लगा है? अच्छा, ये अच्छा मज़े का, ज़रा सही तारीफ कर जा। अच्छा बड़ा।